मोहब्बत करने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम चौधरी बिशारत अली बागड़ी साहब हावी तशरीफ फरमा ने अल्लाह करीम जिन्हें भी लोग महफल के अंदर शरीक ने अल्लाह साहब दा आना मिल बैठना कबूल फरमाए। रौन के महफल जनाब मोहतरम आलम नबील फाजल जलील हजरत अलामा मौलाना आसफ गोहर साहेब हावी तशरीफ फरमा ने जनाब बिलाल मदनी साहेब और भी जिन्हें उलमा इकराम तशरीफ फरमा ने अल्लाह साहब दा आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह अंदर कबूल फरमाए। ये हर साल की तरह इस साल भी बजम सजाई गई और मैनू भी तकरीबन ये तीसरा साल है इतने आंदे हाँ। तीन साल हो चले ने हरूनी साहब तकरीबन दो तीन साल हो चले ने इतने आंदे हाँ। तो ये बड़ी मुहब्बत करने वाले लोग ने जो इन्होंने टाइम मंगया तो मैनू सैकटरी कहन लगे कि वो टाइम कह रहे ने। मैं उन्होंने कहा तुम उन्होंने गल कोई नहीं करनी मुहब्बत वाले बंदे ने कोई गल तो नहीं की थी थोड़े नाल। तो ये वीडियो बन रही है पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ये बयान जाना है अगे भी लखा दुनिया ने इन्हों का बयान सुने बहन की शान आला और हजरत अवैसे करनी आला और भी दूसरे वाकियात यूट्यूब से मौजूद ने पिछले सबका महफलों के और ये भी और ये सारी खूबसूरती देन वाले और पूरी दुनिया से बचाने वाली एक शख्सियत जनाबे मोहतरम भाई जवेद चुराई साहब वजदान साउंड सिस्टम इन्हों का चैनल बहुत वड्डा यूट्यूब का चैनल है वो थ्रू लोगों के पैगाम पहुँच रहा है। वेखो जिथे महफल हो रही है उन्होंने भी फायदा है और जोड़ा साउंड वाला वीडियो बना रहा साउंड लैके आ रहा उन्होंने भी फायदा है तो जोड़ा सुनता पाया उन्होंने भी फायदा तो जोड़ा बोलता पाया उन्होंने भी। वेखो एक कैमरा किन्निया बंदियां दी ज़रिया नजात बनिया अगर इस कैमरे तो बुराई फैलेगी तो फिर भी गुनाहगार होवांगे अगर इस कैमरे तो अच्छाई फैलेगी तो फिर नेकियां दे अंबार लगनगे। इन्होंने हर साल की तरह वेखो मैं पिछले साल भी पिछले साल इन्होंने मैं कहा यार जगह थोड़ी है बंदे होंदे ने ज़्यादा और हाफिज मुसद्दक साहब ने बड़ी अच्छी गल की उन्हें कहा लामा साहब जगह का कोई नहीं जगह तो बंदा अरेंज कर लेंद लेकिन साड़ी ख्वाहिश होंगी है सोने का मिला साढ़े वेड़े हो गए वो भी बहुत वड्डी बात है हर बंदे समझने आने वाली बात नहीं क्योंकि जिथे हजूर का जिक्र हो जिथे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो फरिश्तियां का नजूल होंगे उत्थे रहमतां दा नजूल होंदा ये मस्जिद च भी करा सकते हैं ना जी गली च भी करा सकते हैं इत्थे गली बंद करके सारा निजाम कर सकते हैं होर भी जगह मौजूद ने लेकिन इस जगह ते इस वास्ते कराते हैं कि साडे घर विच रहमत होए जिस जगह पर कुरान पढ़िया जाए उस जगह पर अल्लाह की रहमत का नजूल होंदा अल्लाह के फजल का नजूल होंदा है। मैं बुजुर्ग चेहरे वेख रहा अल्लाह करीम सब का आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैं कोई खुतबा नहीं पढ़िया लम्मा चौड़ा क्योंकि बयान का टाइम होर से हूँ टाइम उत्ते हो चुके है। हरूनी साहब ने बहुत खूबसूरत हाजिरी पेश की दुआ गुम अल्लाह इन्हां दे इल्मो अमल अंदर सोज अंदर गुदाज अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए। गल शुरू हो गई जिहड़ा मौजू दिता इंशाल्लाह मैं उहदे मुताबिक ही गुफ्तगू करांगा। तुसीं सारे बौंकणां दी सरजमीन दे अंदर बैठे हुए हो अहलियाने सियालकोट ये खूबसूरत शहर है असी बागड़ी साहब पाकिस्तान के कोने कोने ते जाने तो पुछते हैं जी सियालकोट हूँ असी आख्या जी सियालकोट कहते हैं उस सियालकोट जिथे इकबाल जमे है। वेखो ना एक निस्बत है ना सियालकोट न जिथे डॉक्टर अलामा मुहम्मद इकबाल जी शख्सियत हीरे जिथे पैदा होए ने वह सियालकोट और जिथे पीर मुरादिया वर्गी हस्ती होवे ते जिथे इमाम अली उल हक सरकार वर्गी हस्ती होवे। मैं हजरत इमाम अली उल हक दे भी जुमा पढ़ाया और अलहमदुलिल्लाह तमाम औलिया दे असी मनन आले हां असी अल्लाह दे वलियां नूं मनन आले हां अल्लाह दे नबियां नूं मनन आले हां असी मुहब्बत आले हां साडे विच नफरत नहीं है। जिन्हें तुसी आए हो मेहमान तुहाडे आए ने तलकदार आए ने रिश्तेदार आए ने मैं हमेशा ही गल करना बंदा उत्थे जांदा है जिथे तलक चंगा होवे बंदा उत्थे जांदा है जिथे तलक ते जिथे तलक चंगा ना होवे बंदे गली विच भी गुजर जांदे ने जी असी नहीं जांदे ते मैं कहा तलक ना भी ना चंगा होवे तू वेख जिक्र किदा हो रहा है जे तो ये अपने प्यो दादे का जिक्र करवाते पेने तो फिर तो किसी भी नहीं ना होना चाहिए फिर कोई भी ना आवे सानू कोई शिकवा नहीं तो जो गल ही सारी सरकार दी है गल सारी सरकार दी हजूर दी गल है और हजूर दी बात है। बाबा जी अल्लाह का कुरान पढ़िया पूरी कायनात अंदर
एक लख 24,000 कमो बेश पैगंबर ते रसूल कायनात अंदर आए ने। अल्लाह ने बड़िया बड़िया शाना दितियां, अल्लाह ने बड़ा बड़ा मकाम दिता, अल्लाह ने बड़ा बड़ा मरतबा दिता। ऐसे भी नबी जिन्हें अग वे छाला मारियां ते अल्लाह ने अग नू गुलजार बना छड़िया। तवज्जो करियो जरा, ऐसे भी नबी जिन्हां नू अल्लाह ने फरमाया तू पत्थर ते आसा मार, पत्थर ते डंडा मार, आसा मार, असी पत्थर विचों चश्मे बजारी कर देंगे। तो उस नबी ने पत्थर ते डंडा मारिया, आसा मारिया, अल्लाह ने 12 चश्मे पैदा कर छड़े। ओ नबी ओ रसूल जेड़े पंगूड़े विच लेट के भी अपनी मां की गवाही देन, अल्लाह ने इन्ना मकाम, इन्ना मरतबा, इन्नी शान अता फरमाई। पर जदों वारी जहरा दे बाबे दी आई, जदों वारी हसनैन दे नाने दी आई, जदों वारी तेरे ते मेरे नबी दी आई, मैं एक गल कहंदा जे जेड़ा नबी पाक दी महफल विच दिलों आ जाए खाली नहीं जे जांदा। बाबा जी जेड़ा दिलों आ जाए खाली जे पुत्र शान वाला होवे ते मां भी शान वाली होंदी है, बाप भी शान वाला होंदा है। मैं क्या जे अज 1450 साल बाद अज पीर शान वाला होवे ते लोग दे प्यो दे हाथ चुमदे ने, लोग दी मां नू सलाम करदे ने, ते जिदा पुत्र 1,25,000 नबियां दा ताजदार होवे। सुभान अल्लाह, इंज नहीं गज के बोल रहा, सुभान अल्लाह। जिदा बेटा 1,25,000 नबियां दा इमाम होवे ते बाबा जी ओ बेटा होवे जेड़ा हाथ चुके ते कुरान बने। बाबा जी जिस दे बेटे दी ए शान है के हजूर इशारा करन ते पत्थर बोलन, हजूर इशारा करन ते दरखत चल के आ जान, ए मेरे नबी दी शान सी। और जिदे बारे कुरान फैसला कर रहे है वरफा ना लका जिक्रा, फरमाया महबूबा असी तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कीता है। वरफा ना लका जिक्रा, सोनिया तेरा जिक्र बुलंद कीता है। इत्थे मेरे वाल तवज्जो करिया जे, तुहाडे इलाके दा MNA होवे ते काउंसलर नू आखे वी तू घबराना नहीं मैं तेरे नाल आ, तवज्जो करियो। MNA होवे जिहदा असर असर रसूख भी बोकणा विच होवे ते काउंसलर नू आखे वी पुत्तर तू खलो जा ते करवाना मेरा काम है, ते काउंसलर बाबा जी बेफिक्र हो जांदा आंदा कि नहीं आंदा। सारे आंदे ने यार तू बेफिक्र क्यों वे, ओ आंदा मेरे पिछे MPA वे, ओ कहंदा मेरे पिछे MNA वे। मैनू ईमानदारी नाल दसो बौंकणा वालिओ, ओ जिहदे पिछे MNA ते MPA होवे ओनू डर कोई नहीं होंदा, ओदी हवा नू कोई नहीं फड़दा, ते जिहदे पिछे रब्बुल आलमीन होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिदे पिछे रब्बुल आलमीन होवे, जिदे पिछे अरशां वाला रब होवे, ते अल्लाह खुद ऐलान करे कि महबूबा असा तेरा जिक्र, असा तेरा जिक्र। बाबा जी नबी पाक दी शान कोई घटा सकदा? कोई लोची कोई घटा सकदा है? कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मां दा लाल जमया ही नहीं ऐसा जेड़ा नबी पाक दी शान नु घटा सके। क्यों? नबी पाक दी शान वधाण वाला अल्लाह। कौन वधाण वाला? अल्लाह। ते अल्लाह ने शान वधाई है ते फिर वेखो जदों तक अल्लाह दा नाम रहना है नाल मुस्तफा दा नाम ही रहना। फिर इस तू वड्डा जुमला दवा, ऐदा तवज्जो फरमाया जे, बाबा जी जिदू पूरी कायनात अंदर अल्लाह दा नाम लैण वाला कोई नहीं होवेगा ओदू भी हजूर दा जिक्र ते हजूर दा चर्चा होवेगा। मैनू मौलवी कहन लगा सुल्तानी ओ किवें, मैं क्या अल्लाह खुद फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना 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 अला नबी। फरमाया अल्लाह अल्लाह ते ओदे फरिश्ते, ओ मैं क्या जिदू मखलूक विच कुछ भी नहीं होवेगा अल्लाह फिर भी होवेगा, जिदू कुछ नहीं सी अल्लाह फिर भी सी, जिदू कुछ है वे अल्लाह फिर भी है, ते जिदू कुछ नहीं होना अल्लाह फिर भी होना। सुभान अल्लाह, अल्लाह फिर भी। ते मैनू ईमानदारी ना दसो यार, ओ खालके कायनात मालके कायनात मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब दा जिक्र की कीता है, बुलंद कर छड़िया, ते सारे नबियां तू बुलंद कीता, सारे रसूलां तू बुलंद कीता। 1,24,000 कमो बेश पैगंबर ते रसूल कियामत आले दिन बोंकणा लियो, कियामत आले दिन जिथे सारे नबी ते सारे रसूल कंबदे होणगे उथे जहरा दे बाबे।